दया कुंज बिहारे जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभा दया गिरिवर धारी दया गिरिवर धारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन 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 पुनति रावण चारी यमुना तेरा बनचारे जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र श्री राधे राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र श्री राधे प्रभुपाद गुरुदेव
श्रीपाद गुरुदेव जय श्रीपाद गुरुदेव श्रीपाद गुरुदेव हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय श्री श्री राधा माधव राधा कृष्ण चंद्र की जय हरि नित्यानंद प्रभु की जय जगन्नाथ बलद सुभद्रा माई की जय ग्रंथ राशि मद भागवतम की जय। श्लोक नंबर दिखाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रिपीट रिपीट करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया नित्यं भागवतं सेवया भागवते उत्तम श्लोके भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी जय भागवतं की जय। षष्ठ स्कंद श्लोक अध्याय 12 और श्लोक नंबर 27-28-29। महाप्राण महावीर्य महासर्पायवादीपम कृत्वाधरम हनु भूम दैत्या दिव्योतराहनम नभो गंभीर वक्रेण लेलिहोल्वाल न जिह्वया दष्ट्राभिः काल कल्पाभिः ग्रसन्निवा जगत्त्रयम् अतिमात्रा महाकाय आखिपंस्तार सागिरिन् विराट पादचारिवा पदभ्याम निर्जरयन् महिम् जग्रासा सा समासाध्या धाजिना सहवाहनम। दूसरे कोई आप पढ़िए, आप लोग भी पढ़ो कोई कोई। हाँ महाराज जी। महाप्राणो महावीर्यो महासर्प इव द्विपम कृत्वा धराम हनुम भूमौ दैत्यो दिव्य उत्तरम हनुम नभो गंभीर वक्त्रेण लेलि होल्बन जिह्वया दंस्त्राभिः काला कल्पाभिर् ग्रसन इव जगत्रयम् अतिमात्रा महाकाय आक्षिपं तरसा गिरिन् गिरिरात् पादाचरैव पद्भ्यां निर्जरयन् महिम् जग्रासा समासद्य वज्रिणाम सह वाहनम
हाँ ट्रांसलेशन पढ़िए। हाँ महाराज, ट्रांसलेशन एंड परफॉर्म द हिस्ट्री एंड नेचुरल वर्क। Prabhupada ki jai. Ruttasra was very powerful in physical strength and influence. आवाज नहीं आ रहा है आपका। A large serpent with his fearful death-like teeth, he seemed to be trying to devour the entire universe. Thus, assuming a gigantic body, the great demon Vrittasura shook even the mountains and began crushing the surface of the earth with his legs. And if he were the Himalayas walking about, he came for Indra and swallowed him and Airavata, his carrier, just as a big python might swallow an elephant. पासपोर्ट तो नहीं है ना इसमें? नहीं है, आगे है और दो श्लोक भी है आज का। पढ़िए। वृत्राग्रस्तं तम आलोक्य सप्रजापतया सूरः हा कष्टम् इति निर्विन्नास् चुक्रुषुः संहरस्यः। Translation: When the demigods, along with Brahma, other Prajapatis, and other great saintly persons, saw that Indra had been swallowed by the demon, they became very morose. Alas, they lamented. What a calamity! What a calamity! 31 verse. Nigirno api asurendrena. नाममारोदरं गतः महापुरुष सन्नद्धो योगमाया बलेन च। ट्रांसलेशन: द प्रोटेक्टिव आर्मर ऑफ नारायण विच इंद्र पोसेस्ड वाज आइडेंटिकल विथ नारायण हिमसेल्फ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। प्रोटेक्टेड बाय द आर्मर एंड बाय हिज ओन मिस्टिक पावर किंग इंद्र ऑल्दो स्वैलोड बाय वृत्तासुर डिड नॉट डाई within the demon's belly. Hare Krishna. Hare Hari Bol. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Smriti Bhakti Sarvapadam Darshami Niti Namine. Namashyad Bhakta Amanaya Manipura Bhavayata Prabhupada Nasatpani Vrajara Nirataayate नमामिष्टं पादाय कृष्णं पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी ब्रजारिणे निर्विशेष संन्यासवादे पश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय जय ग्रंथर श्री भागवतम की श्रीपाद। तो हम लोग अभी भागवतम पढ़े। पहले सबको हमारा हार्दिक स्वागत राधा कुंड धाम को गुरु महाराज का पादाश्रय के लिए सबका
स्नेहा आशीर्वाद का माध्यम से हम अभी भागवतम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ये पांच श्लोक है, 27, 28, 29, 30, 31, 32 पांच श्लोक का माध्यम से हम लोगों को शिक्षा मिला। मैं कुछ पॉइंट संग्रह किया तो ध्यान से सुनिए। तो बुत्रासुर यदि भगवान का शुद्ध भक्त है लेकिन उनका शरीर जो है एक यज्ञ से एक विराट काय असुर का शरीर है। यज्ञ से सृष्टि हुआ मतलब इसे द्रुपा द्रौपदी महारानी सब यज्ञ का आग से सृष्टि हुए तो लोग इतने मतलब स्वयं आग है। जो यज्ञ अग्नि से सृष्टि होते हैं उनका शरीर कोई साधारण शरीर नहीं होता है, स्वयं यज्ञ अग्नि है, स्वयं यज्ञ अग्नि समझ लीजिए। दूसरा जिसका शक्ति है संपूर्ण इधर वर्णन किए विश्व को भी निगल सकते हैं। दूसरा उदम शिक्षा है जब उन्होंने हमारा दोनों उनका हाथ काट दिए हमारा इंद्रदेव तो उन्होंने उनका यंत्रणा और ये परिवेश के द्वारा प्रभावित होकर के यदि उन्होंने चाहते हैं उनका इच्छा है कि इंद्र का हाथ में उनका मृत्यु हो जाए तभी उनका भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। लेकिन तभी परिवेश के द्वारा असुरी के शरीर के द्वारा उनको इंद्र को भी निगल जाते हैं। तो इसमें जब वो इंद्र को उनका ऐरावत हाथी को निगल गए उदरस्थ कर लिए तो इतने में स्वयं ब्रह्मा भी विस्मित हो जाते हैं। हाय हाय क्या हो गया, सब हाहाकार मच रहा है। ये दूसरा है मतलब यदि ब्रह्मा भी स्वयं विस्मित हो रहे दुखित हो रहे तो हम लोग तो साधारण मनुष्य कोई कोई छोटे छोटे चीज में हम लोग हाय हाहाकार हाहाकार कर लेते हैं। ब्रह्मा जब हाहाकार करते हैं मतलब ये छोटा बात नहीं है, इसका ये शिक्षा है। और तीसरा इंद्र का मृत्यु हुआ नहीं। यदि यज्ञ का अग्नि स्वरूप बुत्रासुर उनको ग्रास कर लिया तब भी उनका कुछ भी बिगड़ा नहीं। देखा जाए चौथा कि हमारा इंद्र का कुछ पवित्रता नहीं है, उनका पवित्रता जिसे कहते कोई पवित्र व्यक्ति को कोई कुछ नहीं कर सकता। जिसे हम लोग कई बार डिस्कस कर रहे प्रहलाद महाराज कोई कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उन्होंने भगवान के ऊपर पूर्ण आश्रित है और पवित्र आत्मा है। लेकिन इंद्र के पास ऐसा कुछ योग्यता नहीं है लेकिन तब भी उन्होंने बहुत सुरक्षित हो गए। वो तो भोगी व्यक्ति है, उनका यदि हम लोग क्वालिफिकेशन को काउंटिंग करें तो उनके पास कुछ भी योग्यता नहीं है। जैसे उन्होंने असुर लोग को संहार करने के लिए परास्त करने के लिए जो ब्राह्मण को अपना पुरोहित हिसाब से ग्रहण किया उनका भी माथा काट दिए। अपना भोग प्रवृत्ति से जब प्रतिबंधक हुआ अपना पूजा प्रतिष्ठा में जब प्रतिबंधक हो रहा है तो सांसारिक लोग ऐसा करते हैं, इनका सुंदर उदाहरण है। तो दूसरा उन्होंने दधीचि महर्षि इतने बड़े महान व्यक्ति है तभी उनका हड्डी से वज्र बनाए कि एक व्यक्ति को संहार करने के लिए। संहार करके क्या उद्देश्य है, राजा बनना है, राज करना है ये जगत को। वास्तविक हम लोगों का जो भागवतम शिक्षा वास्तविक हम लोग राज नहीं करना, हम लोग शासित होना चाहिए। जब हम लोग राज करना चाहते हैं ये रजोगुण का स्वभाव है, अपना पूजा प्रतिष्ठा को हम प्रदर्शन करना चाहते हैं तो हम लोग अनित्य शरीर मिला कुछ दिन के लिए है उसका लाभ उठाना चाहिए। हम लोग किसे भगवत धाम प्राप्त करे, भगवान का संतुष्टि करे, भोग प्रवृत्ति से दूर रहे,
लेकिन ये सब देखा जाए इंद्र के पास ये सब कुछ भी क्वालिटी नहीं था। ना होने पर भी इधर वो सुरक्षित हो रहे, उनका मृत्यु हुआ नहीं। यदि इतने बड़े जठरा अग्नि के अंदर घुस गए तभी वो सुरक्षित हो रहा है। अग्नि का मूर्तिमंत विग्रह है क्योंकि अग्नि यज्ञ अग्नि से उन्होंने जन्म लिया है। तो ये माध्यम से हम लोग को शिक्षा मिल रहा है। भगवान यदि सुरक्षा दे तो हमारा चाहे कुछ भी योग्यता ना होने पर भी हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। तो उनके ऊपर भगवान का विशेष कृपा आशीर्वाद, यही उसका रिजल्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये वास्तविक क्योंकि पहले ये हमारा नारायण कवच का गुण कीर्तन कर रहे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को इस माध्यम से नारायण कवच का गुण कीर्तन हो रहा है। नारायण कवच जो है इतने महान है, स्वयं नारायण है। भगवान का कवच, भगवान का नाम, भगवान का लीला चरित्र ये सभी कुछ भिन्न नहीं होता है। तो नारायण कवच भी इतने महान है, यदि इंद्र के पास कुछ चरित्र से कुछ पवित्रता से इतना उन्नत ना होने पर भी इन्होंने सुरक्षित हो रहे। इतना भयानक जो कि यज्ञों का अग्नि से सृष्टि हुए थे और उनके भी उनका पिता क्रतु क्रतु ना त्वष्टा त्वष्टा हाँ त्वष्टा ऋषि त्वष्टा ऋषि यज्ञ करके उनका लक्ष्य था कि इंद्र का मृत्यु हो जाए, इंद्र का शत्रु हो जाए, इंद्र का कोई मेरे संतान को मार डाले। तो जो यज्ञ का करता है उनका भी इच्छा होने पर भी अभी इंद्र का मृत्यु नहीं हो रहा। तो ये माध्यम से हमारा सुखदेव गोस्वामी नारायण कवच का गुण कीर्तन कर रहे। नारायण कवच इतने महान है, भगवान नारायण भगवान कृष्ण इतने महान है। यदि हम लोग का कोई योग्यता कोई साधना नहीं है लेकिन हम लोग आश्रित हो तभी हम लोग आसान से उद्धार हो सकते हैं। हमारा एक महाराज एक बार बता रहे थे, जिसे कोई बड़ा बैंक से हम लोग को लोन लेके आ गया। लोन का हम लोग जो ऋण ऋण से हम शोधन नहीं कर पा रहे, ऋण मुक्त होना सहज नहीं हो रहा है। बैंक से बहुत धन हम लोग ऋण लेके आया लेकिन परिशोधन करने का समय पूर्ण रूप में हम लोग रीपे नहीं कर पा रहे। तो क्या हो रहा है, तो बैंक तो हमको बार बार नोटिस बार बार ये सब बताएंगे लेकिन वो हिसाब से हम लोग पूर्ण रूप में नहीं कर पा रहे। यदि हम लोग उसका इंटरेस्ट कुछ कुछ परसेंटेज दे रहा है तो बैंक क्या सोचेगा, ठीक है वह व्यक्ति दे रहा है कुछ कुछ आगे जा करके पूरा कर देगा। यदि हम कुछ नहीं करेंगे, यदि उसका ऋण का बहुत परसेंटेज कम है मतलब इंटरेस्ट यदि 1000 रुपया हर मंथ ले आ रहा है तो 100-100 रुपया हम लोग यदि दे रहे हैं तब भी बैंक सोचेगा चलो वो तो व्यक्ति थोड़ा बहुत कंटिन्यू कर रहा है, इतना सामर्थ्य नहीं है। तो बाद में जब इसको कंटिन्यू कर करके बहुत वर्ष के बाद भी यदि हम पूरा नहीं कर पा रहे तो समय दिखा जाता है, बैंक क्या सोचेगा चलो ये व्यक्ति और नहीं कर पाएगा उसको छोड़ दो। तो और हम लोग को
ज्यादा परेशान नहीं देगा, ज्यादा फोर्स नहीं करेगा उसको। उन्होंने क्या करे, बैंक उन लोग को ऋण से मुक्त कर देते हैं। तो वैसा ही हम लोग यदि थोड़े बहुत भगवान के ऊपर आश्रित हो जाए, यदि पूर्ण रूप में आश्रित नहीं हो पा रहा है, तभी भगवान का ये महानता है, जैसे बैंक का ये महानता है, तो भगवान का भी हमारे ऊपर महानता, हम लोग उनके संतान है। लेकिन जितना संभव हम लोग थोड़े बहुत भगवान का संबंध से, भगवान का आश्रित से रहना होगा। जैसे सुखदेव गोस्वामी हमारा नारायण कवच का बहुत उन्नत ढंग से गुण कीर्तन कर रहे, ये नारायण कवच जो है इतने महान है। यदि नारायण कवच को यदि हम लोग अपूर्ण ढंग से भी थोड़े बहुत साधना करे, चिंतन करे, तभी हमारा जो कि भगवान कहते हैं स्वल्प अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्भयात्, यही धर्म का, नारायण का जो संतुष्टि धर्म, थोड़े बहुत यदि हम लोग अनुशीलन कर ले तो बहुत बड़े बड़े महान विपद से हम लोग उद्धार हो जाते हैं। तो महान विपद क्या है? महान विपद जो है बार बार जन्म मृत्यु चक्र में हम लोग भ्रमण जो करते हैं, यही महान विपद है। ये चक्र से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। ये थोड़े बहुत हमारा श्रद्धा और दृढ़ता भाव रहे भगवान के ऊपर तो ये काम हो जाएगा। बाकी हम लोग स्वधर्म, अपना कर्तव्य कर्म लाखों ढंग से पूर्ण रूप में करने पर भी इसका कुछ मूल्य नहीं। जैसे हमारा भागवत में कहते हैं स्वधर्मतः त्यक्त्वा स्वधर्म चरणं भजाम हरे भजन अपक्व अवस्था पतते ततो यदि क्वार्थ अभुदम अमुसम किम। क्वार्थ भजतम स्वधर्मतः। तो ये श्लोक का अनुवाद है, यदि अन्य दिग में कोई अपना स्वधर्म को 100% भी कर ले तो उसका कुछ मूल्य नहीं है। लेकिन हम लोग नारायण भगवान, नारायण भगवान कृष्ण को केंद्र करके थोड़े बहुत कुछ भी कर ले तो ये कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ये हम लोगों को हमारा सारे आसक्ति को खंडन करके एक समय भगवान का पूर्ण चरणाश्रय आश्रित करवा दे। तो इसी कारण ये जो हम लोग नारायण कवच का, क्योंकि हम लोग जो है रजोगुण स्वभाव, तमोगुण स्वभाव, ऐश्वर्य माध्यम से भगवान का गुण कीर्तन हम लोग सुने, तो भगवान का ऊपर निर्भर करना हमारा श्रद्धा वृद्धि होगा। तो उसको केंद्र करके सुखदेव गोस्वामी नारायण कवच का गुण कीर्तन कर रहे हैं। जैसे हम लोग ये भागवतम का दूसरे श्लोक कहते हैं त्यक्तवा स्वधर्म शरणम भुजम हरे, अपना स्वधर्म अपना कर्तव्य कर्म को त्याग करके भगवान हरि का शरण आश्रित कोई हो जाए, यदि अपूर्ण अवस्था में भी उनका पतन व परिवर्तन हो जाता है तो इसमें कुछ लॉस नहीं है। प्रभुपाद महाराज बहुत सुंदर से व्याख्या कर रहे हैं, अपना स्वधर्म का कर्म जब तक हम लोग 100% नहीं कर पा रहे तब तक इसका कुछ मूल्य नहीं होता है। जैसे कोई बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग तो बना दिया लेकिन उसको चूना दे करके, प्लास्टर करके, रंग बिरंग करके, इसके बाद जब उपयुक्त होगा तभी रहने का लायक होगा। जब तक ये पूर्णता हासिल नहीं कर पा रहा है तब तक ये बिल्डिंग होने पर भी, इतने लाखों रुपया खर्च करने पर भी उसको पूर्णता नहीं माना जाता है। दूसरे ढंग से यदि कोई धान का खेती बनाया, धान लगाया, जल सेचन कर रहा है, धान आया, सब कुछ हुआ, जब तक घर को धान लेके नहीं आया तब तक उसको पूर्णता नहीं, उसके में कुछ लाभ नहीं है। तो ये माध्यम से
हमारा ये जो भागवतम बता रहा है क्वाबा अर्थम, इसमें क्या अर्थ है, क्या लाभ है। भजताम स्वधर्मता, अपना भजन अपना साधना व अपना सेवा स्वधर्म अपना कर्तव्य कर्म में पूर्ण रूप में निमग्न है होने पर भी, पूर्णता हासिल करने पर भी उसका क्या लाभ है, कुछ लाभ नहीं, क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है। अभी हम लोग पूर्णता रूप में अपना कर्तव्य कर्म को निभा रहा है, निभाने पर भी इधर वैदिक शास्त्र बोल रहा है उसमें कुछ लाभ नहीं है। जो भगवान का चरणाश्रय में 1% भी किया उसके साथ तुलनीय नहीं है। यदि उसको कई जन्म लग जाएगा पूर्णता स्तर प्राप्त करने पर भी, लेकिन उसमें लाभ है, इसमें लाभ नहीं है बोल रहे। ये तो एक ये जन्म में बहुत अपने अपने कर्तव्य कर्म में सफल और पूर्णता करके दिखाया, तो इसमें हमारा भक्ति समुद्र सिंधु में कहते हैं ये सांसारिक रस जो है मृत है, मरने के बाद सब समाप्त हो गया। और भगवान कृष्ण को केंद्रित किया हुआ रस भक्ति रस अमृत है, उसका कभी मृत्यु नहीं होता है। जहां तक हम लोग किया फिर अगला जन्म में हम लोग को ये फैसिलिटी दिया जाएगा। और 2% से हम यदि ये जन्म में 1% गुरु कृष्ण के ऊपर आश्रित हुए तो अगला जन्म में हम लोग फिर 2% शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है फिर आई से ABCD से शुरू करें, नहीं ऐसा नहीं होता है। भगवत भक्ति को इसी कारण अमृत कहा गया, भक्ति रस अमृत। तो रस क्या होता है, मेरा ये सवाल है, इसके ऊपर कोई कोई कमेंट्री दे सकते हैं, रस के ऊपर आप चिंतन कीजिए, थोड़ा बहुत प्रश्न उत्तर रहेगा। और इसी कारण ये सांसारिक रस, सांसारिक कर्म व परिश्रम से जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट मृत्यु के बाद सब शेष हो जाता है। इसी कारण ये सांसारिक कर्म को मृत्यु कहा जाता है। प्रभुपाद महाराज बताए वो लोगों के लिए भगवान जो है मृत्यु, लेकिन भगवान का भक्तों के लिए भगवान जो है स्वयं कृष्ण है, कृष्ण का सेवा है, कृष्ण का गुण कीर्तन है, कृष्ण का नाम है, रूप लीला धाम ये सभी भक्तों के लिए स्वयं भगवान है। लेकिन जो नास्तिक है जो सांसारिक कर्म में ही व्यस्त रहते हैं, भगवान के ऊपर गुरुत्व नहीं देते हैं, भगवान का जो आश्रित नहीं होते हैं, वो लोग का अंतिम रिजल्ट भगवान क्या होगा, भगवान मृत्यु। मृत्यु आया बस सब कुछ हरण करके ले लेगा, भगवान भगवद गीता में भी बता रहे हैं मृत्यु हम सर्व हरण, सब कुछ मैं हरण करके मृत्यु में सबका सभी हरण करके ले लेता हूँ। यदि उन्होंने लाखों परिश्रम करके ये जन्म में लाखों पूजा प्रतिष्ठा संग्रह करके रखा, लेकिन मरने के बाद सब जीरो, बस क्या तेरा। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, कोई बच्चा बालू में कई फ्लोर बिल्डिंग बनाता है, तो उसका बाप आएगा तो क्या कर रहा है, मार के तोड़ फोड़ करके चला जाता है, जीरो दे देता है, क्या कर रहा है इधर से। तो वैसा ही होता है, भगवान नारायण भगवान कृष्ण का आश्रित के बिना सब रिजल्ट जीरो है, लेकिन भगवान का आश्रित हो है, हमारा सूची नहीं है, पवित्रता नहीं है, कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं, अभी इंद्र का हम देखे जैसे हमारा कोई कोई कहते हैं 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करो, 16 राउंड जॉब करो, ये करो वो करो तभी तुमको दीक्षा दिया जाएगा, वो किया जाएगा, तुम भक्त बन सकते हो। कोई कोई ऐसा भी कहते हैं गुरु का कुछ आवश्यक नहीं है, तुम
अच्छा से ये करो वो करो सब सो हो जाएगा, ये सब नहीं है। कोई कोई कल्पित ढंग से कई रकम कहते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम है जिसी किसी तरफ से यदि हम लोग भगवान का आश्रित होंगे, हमारा अपूर्ण अवस्था में भी हमारा इसमें कुछ लॉस नहीं है, निश्चित भाव में इसका विजय होगा, लाभ होगा। तो ये दृष्टि से हम लोग, कोई व्यक्ति भगवान का नाम कर रहा है, कोई गुण कीर्तन कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, वो लोग का विरोध में, वो लोग का निंदा, वो लोग को समालोचना, ये सब वो नहीं करना चाहिए, ये सब दूर रहना चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु बोले जो एक बार भी हरि नाम कर रहा है वो वैष्णव है, अति कम से कम वो लोग का विरोध में कुछ नहीं करना चाहिए, विरोध में सोचना नहीं चाहिए। हम लोग यदि उन्नत ढंग से सीखे हैं गुरु महाराज से, हमारे पूर्व आचार्यों से, तो उन्नत ढंग से साधना करो, खुद साधना करो अच्छा से, दूसरों का भूल देख के लाखों भूल संग्रह करना क्या जरूरत है, लाखों दोषी होना क्या जरूरत। तो ऐसा रहता है तो हम लोग दूसरे एक मुख्य लक्ष्य के ऊपर 5 मिनट हम लोग कीर्तन करेंगे। तो नारायण कवच जो इतने महान है, एक समय इसके आगे और वर्णन करेंगे कि माता अदिति एक समय कश्यप मुनि के पास जाकर के बोले, स्वामी मेरे सभी संतान को ये जो इंद्र है संहार कर देता है, तो आप कृपा करके मुझे ऐसा के संतान दो जो इंद्र को भी परास्त कर सकता है, इंद्र से भी बलवान हो, और इंद्र उनका कुछ न बिगड़ नहीं सकता है। तो भगवान कश्यप मुनि उनको बोले, देवी तुम यदि ऐसा संतान चाहते हो तो तुमको ये नारायण कवच का अनुशीलन करना होगा, ये साधना करना होगा। तो माता दीति ने ये नारायण कवच को साधना किए, उसमें बहुत सुंदर भाव से वर्णन है नारायण कवच को कैसे साधना करना, ब्राह्मण पुरोहितों का माध्यम से हम लोग आचमन सिस्टम और भगवान का मंत्र उच्चारण ये सब वर्णन किए। इसके साथ साथ इसका नीति नियम वर्णन किए, तुम संध्या समय सोने का नहीं, दिन में सोने का नहीं, ऐसा कई उनका नियम बनाए और तपस्या साधना का वर्णन किए। तो उन्होंने साधना किए, आदित्य जब साधना कर रहे थे ये सब कथा इंद्र को मालूम हो गए, तो इंद्र ने सोचने लगे, बोला अरे तो ये तो मेरा बहुत बड़ा विपद है, मैं विपद से कैसे मुक्त हूँ। तो उन्होंने, क्योंकि उन्होंने दूसरों का अच्छा गुण, उन्नत शक्ति, उन्नत पोजीशन सहन नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने आकर के कश्यप मुनि के पास बोले, पिताजी अब क्या होगा मेरा हालत, मुझे आपका आशीर्वाद से मैं इंद्र बना, अभी मुझे भी श्रेष्ठ बना रहे हो आप। तो बोले, बेटा अब तो मैं निरुपाय, तो तुम यदि चाहते हो तो जाकर के दीति माँ में ऐसा ऐसा नियम बनाया, माँ का सेवा करो, वो भी तो तेरा माँ है, उनका सेवा करो और देखो तुम उसका समाधान कुछ मिलेगा। तो इंद्र ने जाकर के दीति माँ का सेवा कर रहे थे आश्रम में रह के, और जब एक बार उनका भूल को देखे कि दिन समय संध्या समय ऐसा सो गए क्लांत से, तो इतने ही में उन्होंने उनका मुख का माध्यम से उनका गर्भ में प्रवेश किए, और वही समय जो उनके संतान था गर्भ में, वो संतान को 7 भाग में काट दिए। अभी उनका कोई मृत्यु नहीं हुआ, क्योंकि उनका माँ ने नारायण कवच को पूरा साधना कर रहे थे। तो इसके बाद उन्होंने विस्मित हो गए, बोला अरे ये लोग का तो मृत्यु नहीं हो रहा है। तो फिर उन्होंने प्रत्येक टुकड़े को 7 भाग किए, तो नारायण कवच के द्वारा वो लोग सुरक्षित है, वो लोगों को काटना 7 भाग करना ये भी सहज नहीं है, तभी ये सब किया है। तो इतने में माँ दीति का निद्रा टूट गया, उन्होंने देखा उनका गर्भ में उन भी साथ भी साधना
बल से उन्हें देखे, उनका गर्भ में इंद्र ऐसा ऐसा काम कर रहा है। तो उन्होंने मातृभाव से, जब इंद्र ने उनका गर्भ को, जिसे प्रभुपाद कहते हैं, कोई भी माता जी यदि संतान बनाए तो यदि उनका चेतना कितने दूषित होने पर भी उनका स्नेह, उनका जो काम भाव है, स्नेह में परिणत हो जाता है। तो वैसा ही जब इंद्र ने माँ दिति का गर्भ में रहा तो माँ का जो इंद्र के प्रति द्वेष शत्रुभाव था वो दूर हो गया और वात्सल्य भाव आया और इंद्र को बोले, बेटा तुम ऐसा काम करना तो अच्छा नहीं, वो भी तेरा भाई है, तू भी मेरे बेटे हो, वो भी मेरे बेटे है, आप तुम लोग परस्पर मिलजुल के रहो, वो लोग को भी तुम्हारा मित्र बनाओ और वो लोग भी तुम्हारे सहयोगकारी बनेंगे और तुम वो लोग को और कष्ट मत दो। तो इतने में इंद्र ने संतुष्ट हो गए, माँ ऐसा ही होना चाहिए, वो लोग मेरे से बंधु बन जाए। तो इस कारण अंचास पवन जो है इंद्र के बंधु बन गए। यदि दिति माँ का सारे संतान शत्रु, इंद्र के शत्रु थे, दिति माता दिति के समस्त संतान असुर थे, दैत्य थे, लेकिन एक है जो पवन देव, उन्होंने इंद्र के मित्र बने और इंद्र देव का हर काम में सहयोगकारी बने। तो ऐसा ही हमारा नारायण कवच का स्तुतिगान वा कीर्तन, तो इसमें हम लोग का शिक्षा है, हम लोग का पवित्रता सूची, ये सब जिसे भगवत भक्ति कोई स्थान काल परिवेश किसके ऊपर निर्भर नहीं कर रहा, सबका परे होता है भगवत भक्ति। किसी तरफ से भी भगवान का नाम रूप लीला चरित्र के ऊपर हमारा थोड़ा श्रद्धा है तो वही श्रद्धा ही हम लोग को उद्धार कर दे। तो इतने में हम लोग भागवत कथा को विश्राम देते हैं। आप लोग जिसे मैं एक प्रश्न भी रखा उसको भी कोई कोई एक मिनट दो मिनट बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज जी, प्रणाम प्रणाम। एनीवन वांट्स टू रेस्पॉन्ड टू महाराज जी क्वेश्चन, रस का मतलब क्या है? वही है ना महाराज जी, रस का मतलब क्या है? हाँ, रस, रस का। हाँ, जैसे भक्ति रस, भक्ति रस कहते हैं ना, भक्ति रस अमृत सिंधु। हाँ हाँ। So if anyone wants to respond, they can. Okay. Yes. सांसारिक रस और भक्ति रस। सांसारिक रस, हाँ, मृत्यु होने के बाद उसका संपूर्ण शेष हो जाता है, लेकिन भक्ति रस अमृत है, उसका मृत्यु नहीं होता है। तो ये रस क्या है जो कि सांसारिक रस? हाँ, हम जानते हैं गन्ने का रस। हाँ, बहुत अच्छा है। एक पहले अर्ध हमको जो पता है कि ये जो जो फ्रूट का रस होता है, हाँ, वो रस है, ठीक है। दूसरा रस हम जानते हैं ये भाव, मतलब अलग अलग भावनाओं को भी अलग अलग रस बोलते हैं, है ना, हास्य रस या तो वात्सल्य रस, मतलब प्रेम में जो भावना होता है उसको भी रस बोलते हैं। और एक रस हम जानते हैं जिसका रुचि, रुचि का अर्थ भी आते हैं। तो भक्ति रस में शायद इन तुलना में भगवान के ऊपर हमारे जो भावना जो है, जो आए हैं, वो रहेगा। बहुत अच्छा है। ये सुख तीन प्रकार बताए, जो ब्रह्म सुख और सांसारिक सुख और भक्तिक सुख, भक्ति, भगवत भक्ति में जो आनंद है, ये तीन ब्रह्म सुख भगवत भक्ति का सुख में नगण्य हो जाता है।
तो ये सांसारिक सुख क्या है, जैसे हमारे भागवत में कहते हैं जस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचनाना। जब हम लोग भगवान का भक्ति करते हैं तो स्वर्ग सुख तुच्छ होता है, ब्रह्म सुख जो निर्वाण मुक्ति ये भी तुच्छ हो जाता है। तो किम उताशीष, ये सांसारिक सुख हो उसके आगे क्या है, ये तीन सुख के ऊपर उधर भी वर्णन किए हैं। तो महाराज भी बोले तीन रस, सांसारिक रस और आध्यात्मिक रस, ये तो और कोई कुछ बोल सकता है तो बोल बोल बोलिए। महाराज जी और एक याद आया, हाँ रस जो है ना, जो एसेंस इंग्लिश में एसेंस बोलते हैं ना किसी का, सार 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 को भी रस बोल सकते हैं, एसेंस। तो भक्ति का एसेंस भी रहेगा, भक्ति का सार। बहुत अच्छा है। समटाइम और एक भी मीनिंग है कि वेरी एक्साइटिंग। महाराज हिंदी में क्या बोलते हैं एक्साइटिंग? एक्साइटिंग मतलब ज्यादा आकर्षणीय। हाँ आकर्षणीय, और आकर्षणीय बहुत ही जंपिंग जंपिंग टाइप का आकर्षण है। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग। तो भक्ति में जो एक्साइटमेंट है रहेगा। ये भक्ति रसामृत सिंधु में जो भूमिका में प्रभुपाद महाराज दिए हैं, उसमें पढ़ करके हम लोग समाधान ले सकते हैं। रस को समझना है तो एक प्रश्न कर सकते हैं कि हम किसी लिए परिश्रम कर रहे हैं। कार्य लागी करी श्रम ना घुंचिलो भ्रम, जो भक्ति विनोद ठाकुर गान गाए, हम किसको केंद्र करके इतना मेहनत कर रहे, उसका जो उत्तर आएगा वही हुआ रस। वही रस को पाने के लिए हम लोग इतने मेहनत कर रहे, लज्जा इतना लज्जा, सबका सामने हम लेबर काम कर रहे हैं दूसरों का घर में, लज्जा संकोच कुछ नहीं है। और हम लोगों को दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला, लेकिन तब भी उसका लक्ष्य केंद्र करे कुछ नहीं काम कर रहे हम। ये सभी सांसारिक रस, जो यही लक्ष्य जो इतने उन्नत हो जाता है कि हम लोग वो लोग के लिए इसे वही सुख के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना समय देते हैं, पूरा समय दे देते हैं। तो यही सबसे प्रभुपाद महाराज उधर दिए हैं। रस जो है, जो परिश्रम, जो वस्तु बा जो चीज हमको इतना मेहनत करने के लिए फोर्स कर रहा है, पीछे जो धक्का मार रहा है, हाँ करो इसमें, ये परिश्रम। इसको साधारण दृष्टि में समझने के लिए, कोई अपना पत्नी को सुख करने के लिए, कोई अपना परिवार को सुखी करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, कोई अपना परिवार का बच्चे को डिग्री देने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये सभी होता है रस। उसका बच्चा का डिग्री इधर रस होगा, और पत्नी को आनंद कैसे प्राप्त होगा उसको केंद्र करके कोई जो परिश्रम कर रहे। तो जैसे शराबी लोग का अपना इंद्रियों को सुख करना, वो भी रस है। दिन भर मेहनत कर रहे हैं, शाम को जाकर के शराब पीते हैं अपना इंद्रियों को। जैसे साधारण दृष्टि में देखा गया, कोई कोई अपना जीभा को रुचि करने के लिए, आनंद देने के लिए बहुत अच्छे अच्छे आइटम बनाते हैं। हमारा गांव में ऐसा एक व्यक्ति था, मेरा याद आया, वो सोनार का काम, गोल्ड लाइन में जो लेबर काम करता था गांव में, तो उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा सामान लाएगा, कुकिंग करेगा, खुद कुकिंग, बहुत मसाला देके
और खाएगा, इसके बाद फिर उल्टी करेगा। बोला वो जीभा को संतुष्ट करना है, ये सब कुछ नहीं है, ऐसा बोल रहा भावुक। उसको हमारा उधर से मन कहते थे, उनका नाम मन देते थे, दिए थे, ये मन उनको बुलाते थे ऐसा। मतलब मन के हिसाब से अपना इंद्रियों का संतुष्ट को केंद्र करके वो इतना मेहनत करके अच्छा से आइटम बनाएगा जीभा का रुचि को लेकर के, और खाएगा जीभा तक अच्छा से जीभा में खाएगा, आनंद लेगा, फिर पेट के अंदर चला गया तो फिर उसको उल्टी करके फेंक देगा, बस गया उसको ये सुख, ऐसा उनका सोचते। तो वैसा ही इंद्रिय को संतुष्ट करने के लिए भी यदि कोई मेहनत कर रहा है तो उसका रस होगा इंद्रिय, इंद्रिय सुख। और कोई अपना बच्चा अपने डिग्री को केंद्र करके यदि पढ़ाई कर रहा है, हमारा स्टूडेंट लोग दिखाई दे रहे हैं, पीएचडी डिग्री हासिल करना है, उसको केंद्र करे, रात दिन पढ़ाई कर रहे, मेहनत कर रहे, तो उनका जो रस है, इतना जो मेहनत कर रहे हैं, उसका रस है डिग्री, और डिग्री हासिल करने के लिए वो लोग इतने मेहनत कर रहे हैं। तो ये सभी सांसारिक रस है, सांसारिक रस जो है मृत्यु होने के बाद उनका कोई डिग्री हासिल किया, कोई प्रधानमंत्री हुआ, कुछ नहीं, प्रभुपाद महाराज कहते कोई 7 फ्लोर बिल्डिंग बनाया, मृत्यु के बाद सब सुन शून्य हो गया। प्रभुपाद उदाहरण दिए कि कोई एक व्यक्ति कोलकाता में 7 फ्लोर बिल्डिंग बनाया और मर गया, तो कर्म का हिसाब से दैव का नेत्र दृष्टि से उनको जन्म मिला, और उसका बिल्डिंग का पड़ोसी में एक चमार था, चमार का घर में जन्म लिया, तो उन्होंने क्या किया, लेकिन उनका वो बिल्डिंग के ऊपर इतना आसक्त था पूर्व जन्म में, इतना मेहनत किया था, तो स्टेप स्टेप होकर के पूरा 7 फ्लोर बिल्डिंग को चला जाता था, बच्चा है, लेकिन वही समय जब देखते थे उनका नाती नातिनी, जो पूर्व जन्म का नाती नातिनी, वो सब जब देखते थे चमार का बच्चा आ गया, तो उनको जोता में पीटते थे, प्रभुपाद महाराज ये उदाहरण दिए, जोता में पीट करके नीचे उतार देते थे, लेकिन उनका वो बिल्डिंग के ऊपर इतना आसक्ति था कि ऐसे फिर आ जाता था उसका स्वभाव ही। तो ये माध्यम से प्रभुपाद महाराज शिक्षा दिए कि ये जो सांसारिक रस है ये मृत्यु है, मरने के बाद समाप्त हो गया, लेकिन कृष्ण रस वा भक्ति रस, भगवान कृष्ण केंद्र करके जो हम लोग मेहनत किए, योजनाबद्ध हम लोग कर्म कर रहे, उसका कभी ह्रास नहीं है, ये अमृत है। इसी कारण प्रभुपाद महाराज डेफिनेशन बनाए भक्ति रस अमृत, सांसारिक रस अमृत। तो ये दृष्टि से हम लोग नारायण कवच माध्यम से सबको हम लोग शिक्षा मिला, हम लोग सांसारिक रस का पीछे न दौड़ करके भक्ति रस आस्वादन करने के लिए, भक्ति रस आस्वादन हमारा समय को लगाइए, व्यवहार कीजिए और मनुष्य जन्म को सार्थक कीजिए। जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा महाराज जी। महाराज जी इज हैविंग ए क्वेश्चन। महाराज जी प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान महाराज जी का आवाज नहीं आ रहा है। महाराज जी म्यूट किए नहीं ना, देख रहा हूँ। ओके ठीक है महाराज जी, आप अगर होगा तो दूसरे किसका कुछ प्रश्न नहीं है तो हम लोग इतने में
मन रखते हैं एक दर्शन। तो राधा कुंड गुरु महाराज का समाधि दर्शन कीजिए। हरे कृष्णा। हमारा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, पहुंच गए। अच्छी, बहुत बढ़िया है, आपके दर्शन हो रहे हैं, बढ़िया। अच्छा, मेरा प्रश्न है कि आपने रस में सबको डुबोया आज, बहुत बढ़िया है, लेकिन आपने कहा कि सल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। करेक्ट। हाँ महाराज, मैं नहीं कहा महाराज, भगवत गीता भगवान बता रहे। हाँ, तो आप ही तो उनकी तरफ से बोल रहे हैं, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। तो महतो भयात का आपने समझाया कि महत भयात मतलब दूसरी संसार मतलब जन्म मृत्यु के चक्र में आना, इसको इसको आपने भय बताया, नहीं? और तो जन्म मृत्यु में तो फिर यदि फिर आपने उदाहरण जो अच्छा दिया कि 2% एक जीवन में किया है तो नेक्स्ट जीवन में फिर 2% से आगे बढ़ेंगे, उसका नष्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब वापस मनुष्य ही होने मिलेगी, यही कहना चाहते थे आप? हाँ, मनुष्य जन्म और इतर जोनी होने पर भी, जैसे भक्त विनोद ठाकुर गान गाए, इतर जोनी हो जथा तो या दास। वैष्णव परिवार में, वैष्णव गृह में ऐसा कीड़े मकोड़ा होकर भी जन्म ले करके पुण्यता हासिल करते हैं। तो पाप नहीं लगता, मतलब थोड़ी भी भक्ति किए तो उसको ह्रास नहीं होता है, पाप हानि नहीं होती है। हाँ। नहीं उसका इसका पाप लगता है, परिपक्व अधूरा काम अधूरी भक्ति रह गई तो भी उसका पाप नहीं लगता। हाँ। लेकिन एक चीज होने से तो नष्ट हो सकता है भक्ति, कोई भक्ति नष्ट नहीं होता, आपने बताया, नहीं? हाँ। लेकिन एक एक चीज हमें श्रवण में आई है कि एक चीज से भक्ति योग नष्ट हो सकता है, वो क्या, उसके बारे में थोड़े बताएंगे? जो वैष्णव अपराध हाथी मताल, वही नष्ट का कारण बन सकता है। तो इसी कारण तो हम वो माध्यम से वर्णन किया उस समय कि कोई व्यक्ति यदि एक बार भी कृष्ण नाम कर रहा है, चाहे कोई लाखों दोष से होने पर भी, हम लोग और लोग को उत्साहित करना चाहिए, और लोग का समालोचना और लोग से दूर रहना चाहिए। यदि हम लोग उन्नत ढंग से भगवत भक्ति जानते हैं, प्रोसेस जानते हैं, तभी तो दूसरों का हम दोष को समझ पा रहे। जिसका जो कोई व्यक्ति जो दूसरों का भूल को देख पा रहा है, मतलब से उन्नत उन्नत बोलना भी उन्नता नहीं होगा, क्योंकि भगवत भक्ति में जो लोग भगवत भक्ति में 1% भी आगे बढ़ते हैं तो वो लोगों का दैन्यता भी 1% आगे आ जाता है। तो अपने को छोटा दैन्य ऐसा स्वीकार करके ग्रहण करता है, मैं उनसे भी छोटा। जो लोग एक बार भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के नाम के ऊपर गुरुत्व दे रहे, यदि मैं लाखों नाम कर रहा हूं लेकिन मेरा इंद्रिया इतना बलवान है, अपना दोष को सामने रख रहा है, तो इसी कारण भगवान का भक्ति जो 1% भी किया है और दूसरे को समझे। से चैतन्य महाप्रभु बताए, त्रिनादपि सुनिचनम तररिप सहिष्णुन अमानिन मानदन। तो हम दूसरे को सम्मान करना ये भी प्राथमिक है। हमारा गुरु महाराज भी बता रहे थे, कोई वैष्णव बनना पहले एक सरल मनुष्य बनो, कपटी मत बनो, कपटी ना बन के सरल बनो। तो ये सब सरलता व प्राथमिक का लक्षण है। और विशेष करके हमारा भगवत गीता में भगवान प्रभुपाद महाराज व्याख्या किए, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, ये श्लोक में, इसमें ये श्लोक भी दिया है, स्वल्पाप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्वयात्। इसका व्याख्या करने का समय, स्वल्पाप्यस्य मतलब हमारा जो चार यम है
जीता पाना स्त्रीय सुना, उसको हम यदि थोड़े बहुत पालन करके भगवान का नाम करते हैं, भगवत सेवा करते हैं, तो ये पहला परम स्टेप हो जाता है। बड़े बड़े विपद से भी उधार हो जाए। टाइम हो गया, हम कंक्लूड करेंगे। हाँ ये तो मेरा भी हो गया। तो स्वल्प मतलब प्रभुपाद महाराज उधर ये दिए हैं कि यदि ये चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल हम फॉलो कर रहे, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, मांसाहार वर्जित, और स्त्री अवैध स्त्री संघ, ये चार से यदि हम लोग सतर्क है, यदि हम लोग पूरा कर नहीं पा रहे, लेकिन हम लोग जानते हैं ये चार को हम पार होना ये हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य का सामने यदि हम ये चार को रखे हैं और भगवान भजन साधन कर रहे, तो बस ये स्वल्पाप्यस्य हो जाता है। इतने में भी हम लोग बहुत बड़े बड़े विपद से बहुत उन्नत शरीर दिया जाएगा, जो अगला जन्म में हम लोग उसको पूरा कर सकते हैं। तो इसी कारण हम लोग दूसरों का भूल लाखो कोई निंदित काम करे, जोक भी करे, हम दूसरे से अच्छा संपर्क करें। हमारा गुरु महाराज का सूत्र है, वो माध्यम से हम लोग भगवत भक्ति अनुशीलन करेंगे। हरे कृष्ण। रस के बारे में एक मिनट चाहता हूँ, मॉडरेटर अलाउ करे तो। महाराज हम आज के लिए क्लास समाप्त करेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद, श्री गुरु महाराज की जय। राधा कुंड धाम की जय। जय जय राधा कुंड श्याम कुंड की राज गोवर्धन महाराज की जय। जय ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। नीलांबर कृष्ण स्वामी महाराज की जय। Jai. Thank you one and all for joining. See you all in tomorrow's class.